ये राख राख दिख रहा है ना आपको, बस पता ये क्या है? रात में किसी ने मिर्ची उर्ची ला के रख दिया था टोटका करने के लिए। अभी भी सरसों की छोटी छोटी दाने अभी कुछ रह ही गई है यहाँ पे। रेड कलर का कपड़ा और तस्वीर रखा हुआ था। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। गाइस अभी सुबह के 9:30 हो रहे और अभी मैं उठा हूँ, बिकॉज रात में कुछ ज़्यादा ही देर तक जगे हुए थे, क्योंकि भाई इतना एक कांड हो गया भाई, इतने इधर मेरे घर की तरफ से कांड हो गया। अभी मैं आप लोग को डिटेल बाई डिटेल बताता हूँ। देखो गाइस, हुआ यूँ कि ना, मतलब एक दिन पहले भी और एक दिन बाद भी ये सब हो रहा था, बट मेरे को पता नहीं था, मेरे को कोई अंदाज़ा नहीं था। बट गाइस कल मुझे पता चला रात में भाई की ऐसा ऐसा हो रहा है। मतलब देखो भाई, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ। ये देखो गाइस, ये राख राख दिख रहा है ना आपको, बस पता ये क्या है? गाइस किसी ने मिर्ची उर्ची डाल रखा था, नज़र होता है ना टोटका वोटका करना, ऐसा किसी ने ला के रख दिया था। रात को जब सो रहे थे तो रात में जब अम्मी अबू ने देखा, फिर भाई मैंने भी देखा, भाई रात में किसी ने मिर्ची उर्ची ला के रख दिया था टोटका करने के लिए। उससे पहले भी रखा था इफ्तारी के टाइम में, तो अबू उस टाइम जला दिए थे, बट मेरे को पता नहीं था, बट कल रात में मुझे पता चला कि भाई देखो। और आज सुबह अबू उठते ही ये देखो, अबू इस सारे टोटके वाले को जला के राख कर दिए भाई। देखो भाई, मतलब पता नहीं यार, किसी से दुश्मनी भी नहीं है हमारी भाई, अपनी लाइफ में हम भी मस्त हैं, अपनी लाइफ में सब मस्त रहो भाई, किसी को किसी से लेना नहीं है। इंसानियत यहाँ पर मतलब है ही नहीं, समझो। और मतलब क्या फ़ायदा है, कि कोई दुश्मनी भी नहीं है हमारी किसी से, फिर भी ये ऐसे टोटके कर रहे हैं गाइस। तो गाइस छोड़ो यार, फिर आगे बात करता हूँ इसके बारे में, फिलहाल चलता हूँ मैं पहले फ्रेश होने। गाइस तो देखो अभी फ्रेश होकर आ चुका हूँ, और भाई इधर देखो यहाँ पे साजिद फ़ोन चला रहा है, अब्बू वाला फ़ोन चला रहा है, रील्स देख रहा है फ़ोन में। और गाइस अब्बू को देखो उस रूम में आराम से मस्त वाले अपने सोए हुए। गाइस मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि भाई किससे मेरा दुश्मनी है भाई, कभी किसी को हम लोगों ने कभी परेशान नहीं किया, किसी से हमारी दुश्मनी भी नहीं है, फिर पता नहीं भाई किसको मतलब बुरा लग गया हमसे, जो ये सब करके रख दिया भाई। कभी किसी के बारे में हम लोग ने बुरा नहीं चाहा भाई, जैसा अपना रहा मस्त अपने लाइफ में, बस अपने घर पे मतलब रखना है, फैमिली से मतलब रखना है, अपने फैमिली से, किसी अदर के फैमिली से मतलब नहीं रखना। बट फिर भी पता नहीं भाई किसको मेरी हम लोगों की बात शायद बुरी लग गई हो, या पता नहीं क्या, नहीं भाई ये सब करवा, ये सब कर रहे हैं भाई। ये देखो गाइस अभी अब्बू जलाए उसमें से, देखो देख सकते हो गाइस, सरसों जो होता है ना, अभी भी सरसों की छोटी छोटी दाने अभी कुछ रह ही गई है यहाँ पे, अभी जलाने के बाद भी रह गया भाई देखो। और मिर्ची उर्ची था पूरा एकदम। और गाइस उससे पहले एक दिन छत पे ना, मेरी छत पे, अभी चलो मैं ऊपर आपको दिखा के आता हूँ। गाइस देखो अभी छत पे आ गया हूँ मैं, और भाई देखो अभी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, ये जो रूम है ना, ये देख रहे हो भाई, ये जो हमारा छत वाला रूम है भाई, इस रूम में ना कल मतलब रेड कलर का कपड़ा और तस्वीर रखा हुआ था। मुस्कान मेरे को कल रात में बता रही थी कि ऐसे 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 पहले से भी रखा हुआ था, मैंने बोला इसे पहले बताना चाहिए था भाई। मतलब पता नहीं कौन कर रहा है भाई, लिटरली गाइस मालूम है छत पे आने जाने का कोई रास्ता भी नहीं है, सिवाय मैं उस गेट से, मेरे घर वाले गेट से मेरे छत पे आने का कोई रास्ता नहीं है भाई। पता नहीं कैसे किसी ने रखा होगा यार, मुझे तो समझ में नहीं आता भाई, एक किसने जादू टोने किए हुए हैं, किसने टोटका कर रखा है भाई, पता नहीं गाइस हम लोग के साथ क्यों हो रहा है ऐसा। गाइस कल रात में अचानक ये सब रखने के बाद 11:30 बजे गेट पर हल्की सी आहट आ रही थी, तो मुझे सुनाई दिया भाई, हाँ हल्की सी थोड़ी बहुत आहट आ रही है, आहट आई। उसके जस्ट बाद अम्मी के गर्दन में ना पेन होने लगा भाई, बहुत ज़्यादा वाला पेन। फिर मैंने दुआ हुआ किया, उसके बाद फिर ठीक हुआ, अबू ने भी दम वम किया अम्मी को, सूर्य वूर्य पढ़ के फूका, उसके बाद फिर ठीक हुआ अम्मी को, मैंने भी दुआ किया था। सुबह में फिर अबू ने जला के उसको फेंक दिया। तो गाइस अभी फ़िलहाल चलता हूँ मैं नीचे, भाई पता नहीं किसने किया यार, किसके साथ दुश्मनी हमारा, किसी के साथ नहीं है, पता नहीं क्यों कर रहे थे यार, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, किसका दुश्मनी हो सकता है हम लोगों से। गाइस तो अभी चलता हूँ मैं पहले नहाने के लिए, नहा के आते फटाफट, और अभी मैंने कपड़े भी इधर निकाल लिए अपने, अभी मैं चल रहा हूँ नहाने, नहा के आते फिर मिलता हूँ आप लोगों से। गाइस तो देखो मस्त वाला नहा धोवा के एकदम मस्त रेडी हो चुका,
और गाइस अभी यहाँ से चल रहा हूँ शमशेर के घर पे, फिर वहाँ से मैं, शमशेर, तौकीर, हम तीनों जने ऑफिस जाएंगे, मेरे ऑफिस पे। उन लोग को भी कुछ काम है और मैं भी ऑफिस घूम के आऊँगा, काम वाम तो नहीं है, फिर भी उन लोग के साथ जाऊँगा, ऑफिस का माहौल देख के आऊँगा। तो चलता हूँ मैं पहले शमशेर के घर पे। ऐसे तो देखो भी मैं शमशेर जा रहा हूँ, अभी तौकीर उधर रोड पे है, मतलब कुछ काम से गया, तो अभी रोड पे से तौकीर हम लोग को पिकअप करेगा, उसके बाद फिर ऑफिस निकलेंगे। अभी देखो शमशेर भी नहा धोवा के देख लो, मस्त रेडी लग, कैसा लग रहा है मेरा दोस्त बताना भाई आप लोग को। ऐसे तो देखो तो फिर आ चुका है स्कूटी लेके, अभी हम लोग चल रहे हैं डुमरा। गाइस तो मैं अपने ऑफिस से आ गया हूँ घूम के, और अभी तो फिर अंदर गया है डुमरा ब्लॉक में काम करवाने के लिए, तो अभी तो फिर शमशेर आ रहा है, अभी मैं वेट कर रहा हूँ बाहर ही। गाइस तो अभी काम हो चुका है, अभी चल रहे हैं हम लोग घर पे। गाइस तो अभी देखो सीधा घर पे पहुँच गया है हम लोग वहाँ से आने के बाद। तो हाँ गाइस अभी मैं ना थक चुका हूँ थोड़ा सा, तो मैं रेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि बाहर बहुत ही ज़्यादा धूप था, तो अभी मैं थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। फिर असर का वक्त होगा तो असर के नमाज़ के टाइम में उठेंगे, और जोहर का नमाज़ हम लोग ने रास्ते में पढ़ लिया क्योंकि टाइम नहीं था घर पे आगे बढ़ने का, इसी वजह से रास्ते में पढ़ लिया हम लोगों ने। फिर असर के टाइम में अभी उठूँगा, तो फिलहाल अभी मैं चलता हूँ थोड़ा सा रेस्ट कर लेने। कैसे तो देखो शाम के 5:30 बज रहे हैं, अभी मैं असर का नमाज़ पढ़ के अभी थोड़ी देर पहले ही आया हूँ, क्योंकि उसके बाद सो गया था डायरेक्ट, फिर असर की अजान हुई तो असर का नमाज़ पढ़ने चला गया था। अभी यहाँ पे देखो ये पकौड़ा हमारा पूरा तैयार हो चुका है, इधर भी ये सब तैयार हो चुका है, ये देखो सब चीज़ इफ्तार का, मतलब टोटली सामान जो है ना वो तैयार हो चुका है। इधर भी है, यहाँ देखो, हाँ देखो पूरा इफ्तार का सामान तैयार हो चुका है। इधर भी ये देखो मुस्कान को, मुस्कान और अम्मी दोनों मिल के इफ्तार का सामान तैयार कर रही है। अभी प्लेट सज रहे हैं, और ये देखो अमन को, इसको देखो ये फ़ोन चला रहा है, मतलब अभी सब सही मैंने सज रहे हैं अभी इफ्तार करने के लिए। तो भाई इफ्तार का वीडियो जो है इस वजह से मैं नहीं दिखा पाता हूँ, क्योंकि इफ्तार में सबको साथ में बैठते हैं, अब्बू, अम्मी, पूरी फैमिली साथ में बैठते हैं हम लोग इफ्तार करने के लिए। तो गाइस इसी वजह से वीडियो नहीं बना पाता हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि मैं अब्बू के सामने वीडियोस नहीं बनाता हूँ, अम्मी के सामने, बाकी ऑल मेंबर के सामने मैं वीडियोस बनाता हूँ, बट अब्बू के सामने वीडियोस नहीं बनाता हूँ। और अब्बू के साथ भी बैठना पड़ता है इफ्तार पे, क्योंकि सब जने साथ में खाते हैं वहाँ पे, इसी वजह से इफ्तार का वीडियोस नहीं बनाता। एक बार इफ्तार का वीडियोस बनाया भी था मैंने, तो मतलब उस पर वॉइस ओवर किया था, आप लोगों को शायद पता चला भी होगा या नहीं चला होगा, मैंने उस पर वॉइस ओवर किया था, बस ऐसे चुपके से ऐसे करके वीडियो बनाया था कि अब्बू को पता ना चले। और भाई इसी वजह से इफ्तार का वीडियोस आप लोगों को नहीं दिखा पाता। तो हाँ गाइस अभी चलता हूँ मैं फ़िलहाल अपना शवाक करने, उसके बाद फिर वजू करके इफ्तार में बैठूँगा, फिर मिलते हैं आप लोग से थोड़ी देर बाद। गाइस तो इफ्तारी उफ्तारी कर लिया, अभी नमाज पढ़ के आ गया हूँ मैं मस्जिद से, और अभी फिर नमाज़ पढ़ने के लिए, ईशा की नमाज़ के लिए जाना होगा और तरावी के लिए, क्योंकि मगरिब के बाद ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, मगरिब के बाद वहाँ से नमाज़ पढ़ के आने में मैक्सिमम पता भी नहीं चलता गाइस कि बैठे बैठे कैसे टाइम निकल गया, पता ही नहीं चलता। थोड़ा फ़ोन यूज़ करता हूँ, उसके बाद फिर टाइम ऑलमोस्ट हो जाता है। अभी लगभग अभी बैठा हूँ थोड़े देर से, और फिर बैठे बैठे अभी टाइम हो जाएगा ईशा की नमाज़ का, तो फिर ईशा का नमाज़ के लिए चल जाऊँगा मैं। गाइस तो अभी आया हूँ ईशा का नमाज़ पढ़ के, और तरावी का नमाज़ भी पढ़ के अभी मैं आ ही रहा हूँ। और इधर देखो अपना खाना भी अभी निकल चुका है, ये खाने में चावल है, दाल है, और ये है कबाब। तो गाइस अभी फ़िलहाल मैं खाना खाऊंगा, उसके बाद वीडियो एडिट करूंगा, फिर उसके बाद सो जाऊंगा। तो मैं इस वीडियो को करता हूँ यहीं पे एंड, आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लो, चैनल पर जो भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय। पीछे लोग मिटाते रहते।